लाल किले के मंच पर पहुंचे भाजपा नेता मनोज तिवारी ने जैन समाज को आश्वासन दिलाया कि वह तीर्थराज के सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लाल किले से श्री शम्मेश शिखर को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किए जाने के विरोध में चल रहे संग्राम में पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने जैन समाज को आश्वस्त किया कि वह कुछ भी हो जाए लेकिन तीर्थराज के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जैन समाज की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी एक नोटिफिकेशन आया है जिसके आधार पे शम्मेश शिखर जी की पवित्रता और शुद्धता को जो नुकसान होने का खतरा दिखा है, अभी हमको महाराज जी ने कहा राष्ट्र संत बिहार सागर जी महाराज जी ने जो कहा कि मनोज तुम इसको संसद में उठाना। महाराज जी मैं आपको और समाज को सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मात्र संसद में उठाएंगे ही नहीं, हम शम्मेश शिखर जी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। महाराज जी आपकी चिंता हम सबकी चिंता है और मुझे लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये झारखंड सरकार के द्वारा आई है, लेकिन झारखंड में किसी की भी सरकार हो शम्मेश शिखर जी की शुद्धता उसका पवित्रता इस धर्म की आस्था, मैं बिना अभी मोदी जी से बात किए आपको विश्वास दिलाता हूं उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं होगा। और मैं तो आपका एक शिष्य हूं, आपका बच्चा हूं, यहां के उपस्थित सभी लोगों को एक बार पुनः हमारी तरफ से अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। इस आश्वासन के बाद जैन समाज में एक उम्मीद जागी है, उनकी आवाज को संसद में भी उठाया जाएगा। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।